नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज रेलवे ग्रुप डी 2018 के चार ऐसे जोन बताऊंगा जहां का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा यहां का कट ऑफ इतना कम क्यों जाएगा और साथ में इसका कम जाने का कारण भी बताऊंगा। अगर दोस्तों आप पूरे 17 जोनों की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हो। अगर दोस्तों आप जानना चाहते हो कि आपको ग्रुप डी में कितनी सैलरी मिलने वाली है, इस ग्रुप डी का क्या काम है और अलग अलग पोस्ट वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी, अगर दोस्तों ये सब कुछ जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको जल्दी ही ये सब बताने वाला हूँ, तो दोस्तों आप बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों साथ में लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर रेलवे ग्रुप डी के चार ऐसे जोन जहाँ का कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है, इसमें सबसे पहले एक नंबर है बिलासपुर। दोस्तों 2018 का कट ऑफ जा सकता है बिलासपुर का जनरल का 55 से 60 के बीच में। दोस्तों इसका कम जाने का कारण क्या है, आपको मैं कारण भी बता देता हूँ साथ में, क्योंकि ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के छात्र भोपाल से अप्लाई करते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा वैकेंसी होती है, भोपाल में ज़्यादा वैकेंसी आती है, इसलिए छत्तीसगढ़ के ज़्यादातर बंदे भोपाल से अप्लाई कर देते हैं और यहाँ वैकेंसी कम आती है। लेकिन यहाँ जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कम होती है, लेकिन अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या भी यहाँ कम होती है, जिसके कारण यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। तो दोस्तों हम साथ में अब देख लेते हैं सेकेंड नंबर गुवाहाटी की। तो दोस्तों गुवाहाटी की जो 2018 का कट ऑफ है जनरल का, वो 50 से 55 के बीच में जाने वाला है। अगर नॉर्मलाइजेशन होगा और अगर वहाँ का पेपर थोड़ा हार्ड आया था तो, अगर नॉर्मलाइजेशन होगा तो आपके 5 या 10 नंबर और बढ़ सकते हैं, तो आपका नंबर जो आपका सिलेक्शन है वो श्योर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ का 2013 का कट ऑफ भी बहुत ही कम रहा था, यहाँ वैकेंसी भी बहुत कम आती है। 2018 में बहुत कम फार्म अप्लाई हुए और 2013 की वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ की सबसे कम कट ऑफ गुवाहाटी की गई थी। और देख लेना 2018 में भी यहाँ बहुत कम फॉर्म अप्लाई हुए, तो यहाँ की सबसे कम जाने वाली है कट ऑफ। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं हम भुवनेश्वर। दोस्तों 2018 की भुवनेश्वर की कट ऑफ रहने वाली है जनरल की 55 से 60 के बीच में, क्योंकि उड़ीसा के जितने भी लोग हैं वह कोलकाता से ज़्यादा अप्लाई करते, और यह 2013 की भी कट ऑफ सबसे कम थी। तो दोस्तों अब आगे हम देखते हैं अजमेर की। तो दोस्तों 2018 का कट ऑफ अजमेर का जा सकता है 60+, क्योंकि अजमेर से बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ और अहमदाबाद से अप्लाई किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अजमेर की भी बहुत कम जाएगी, क्योंकि जो राजस्थान के बंदे हैं उन्होंने ज़्यादातर अहमदाबाद और चंडीगढ़ से अप्लाई, क्योंकि यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, इसी कारण लोगों ने ज़्यादातर चंडीगढ़ और अहमदाबाद से फॉर्म अप्लाई किए, तो अजमेर की वैकेंसी भी बहुत कम जाएगी। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।